हेलो एंड वेलकम बैक। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। सो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो कितने पीरियड के लिए ऑफिस को होल्ड करता है, 6 साल के लिए होल्ड करता है या फिर 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। सो दोनों में से जो भी अर्लियर होता है उसके लिए होल्ड करता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। देयर आर 3 फिनेंशियल कमिटीज़ इन इंडियन पार्लियामेंट। 3 फिनेंशियल कमिटीज़ हैं इंडियन पार्लियामेंट में। पहला एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी। दूसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं कमेटी का नाम बोलूँगा, आपको बताना है कैसे वो इलेक्ट होते हैं और कितना टर्म होता है। एस्टिमेट्स कमेटी जो होता है उसमें कितने या उसको कैसे इलेक्ट होते हैं, ये 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा पर ईयर। ये लोकसभा के 30 मेंबर्स से ही पर ईयर हर साल जो लोकसभा है उससे 30 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और ये 1 साल के लिए होता है। सो एस्टिमेट कमेटी में जो उसमें कैसे इलेक्शन होता है, ये लोकसभा के 30 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा पर ईयर और इसका टाइम पीरियड क्या होता है। देखो तीनों कमेटी का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, एस्टिमेट्स कमेटी का भी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का भी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी। इन तीनों के लिए टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। एस्टिमेट्स कमेटी के लिए लोकसभा से हर साल 30 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा पर ईयर, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए 15 मेंबर्स ऑन लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। याद हो गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये कैसे बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था, 1985 में आया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था, 1985 आया था। तो इससे क्या बना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है किस चीज़ के लिए, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ पर्संस। तो किसी भी पर्सन के लिए रिक्रूटमेंट या उसके कंडीशंस ऑफ सर्विस के लिए उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट आ गया है, अपॉइंटेड जो भी पब्लिक सर्विस या पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन, सेंट्रल हो, स्टेट हो या कोई लोकल अथॉरिटीज़ हो टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसके रिक्रूटमेंट और उसके सर्विस में कोई अगर डिस्प्यूट्स आ गया है तो उसके एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है ये कौन से एक्ट से बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर इज़ वन ऑफ द मीन्स बाय विच अ डिबेट मे बी ब्रॉट टू अ क्लोज बाय मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द हाउस इवन दो ऑल द मेंबर्स विशिंग टू स्पीक हैव नॉट डन सो। सपोज मान लीजिए किसी टॉपिक पे डिबेट चल रहा है और सारे मेंबर्स अगर बोल भी नहीं पाए हों, लेकिन अगर मेजॉरिटी डिसीजन से ये फिक्स कर लिया गया कि हाँ ठीक है चलो डिबेट अब क्लोज करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्लोजर बोलते हैं। सो क्लोजर इज़ वन ऑफ द मीन्स बाय विच अ डिबेट मे ब्रॉट टू अ क्लोज बाय अ मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द हाउस इवन दो ऑल मेंबर्स विशिंग टू स्पीक हैव नॉट डन सो। आर्टिकल 356 क्या है, इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल ओवर अ स्टेट ऑफ इंडिया। सो राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी भी राज्य पे, तो आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 356 क्या है, इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल ओवर स्टेट ऑफ इंडिया। एस आर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से है। एस आर बोम्मई, तो कैसे याद रखोगे, एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो बोम्मई है, बोमन ईरानी याद आ रहा है। सो बोमन ईरानी किस में था, आपका ये इसमें था मुन्ना भाई एमबीएस में, तो वो क्या करता था, रिश्ते अच्छे बनाता था, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सो एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। देर आर 3 फिनेंशियल कमिटीज़ इन इंडियन पार्लियामेंट, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी को 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा पर ईयर, कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स और कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दोनों में ही 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा और तीनों के लिए 1 ईयर होता है टर्म।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत क्या किया गया है इस्टेब्लिश. सो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्लोजर इज़ वन ऑफ द मीन्स बाई विच अ डिबेट मे बी ब्रॉट टू अ क्लोज बाई मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द हाउस इवन दो ऑल मेंबर्स विशिंग टू स्पीक हैव नॉट डन सो. आर्टिकल 356 का इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल ओवर स्टेट ऑफ इंडिया. एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के सेंटर स्टेट रिलेशंस. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.